कटला विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 88 पर पोलिंग एजेंट द्वारा महिला मतदाता की सहायता के बहाने वोट डालने के वायरल वीडियो को लेकर चुनाव आयोग ने संज्ञान लेते हुए दोबारा से चुनाव कराने का निर्णय लिया है। गांव के सरपंच कर्ण सिंह ने बताया कि चुनाव आयोग द्वारा कहा गया है कि गांव के बूथ नंबर 88 पर 19 मई को दोबारा से चुनाव कराया जाएगा। फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में 12 मई को लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान पृथला विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 88 पर एक व्यक्ति ने महिला मतदाताओं को सहायता के बहाने खुद मशीन के बटन को 3 बार दबाया। इसी दौरान उस युवक का किसी ने मोबाइल से वीडियो बना लिया और उसे वायरल कर दिया। वीडियो को वायरल होता देख बूथ इंचार्ज हरकत में आए और मामले की शिकायत सदर थाना पुलिस पलवल को दे दी। पुलिस ने बूथ के पीठासीन अधिकारी की शिकायत पर नामजद गिरिराज आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर आरोपी को कोर्ट में पेश कर दिया। पलवल डीएसपी हितेश यादव ने बताया कि प्रथला विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 88 जो कि गांव असावटी में बतौर पीठासीन अधिकारी अमित अत्री ने शिकायत दर्ज कराई है कि गांव असावटी निवासी गिरिराज बीजेपी का पोलिंग एजेंट था। गिरिराज ने मतदाता की सहायता के बहाने मशीन का 3 बार बटन दबाया। गिरिराज के ऐसा करने से मना भी किया था लेकिन वह नहीं माना। गिरिराज जब वोट डालने की कोशिश कर रहा था तो उसका किसी ने वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पुलिस ने पीठासीन अधिकारी की शिकायत के आधार पर आरोपी गिरिराज के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ कार्रवाई कर कोर्ट में पेश कर दिया है। हमें कंप्लेंट असावटी गांव में बूथ नंबर 88 पर अमित खत्री जो वहाँ के प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं उस बूथ के, उन्होंने कंप्लेंट दी कि एक व्यक्ति है गिरिराज जो उसी गांव के हैं और वहाँ पर एज ए पोलिंग एजेंट थे और उन्होंने 3 बार जो लेडीज़ वोट डालने आई थी 3 अटैम्प्ट किए, उनको जाकर मदद की। जो पोल जो है पोलिंग का जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसका उन्होंने वायलेशन किया है, इसकी कंप्लेंट उन्होंने दी थी। साथ में उन्होंने किसी ने जिस समय ये घटना घटी उसका वीडियो भी बनाया और वो वीडियो वायरल हो गया, उसकी एक CD भी हमें दी है। तो इस बारे में हमने एक FIR रजिस्टर की है सेक्शन 188 IPC 135 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट और 171C IPC के तहत, और जो व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व था गिरिराज उसको हमने गिरफ्तार कर लिया। अब इस समय कहाँ है गिरिराज और वो किस पार्टी से संबंध रखता था? वो किसी पार्टी का एजेंट था या वैसे ही पोलिंग बूथ? देखिए, वो एक पार्टी का एजेंट था पर वो किस पार्टी का था ये मटेरियल है, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का जो वायलेशन है उसके तहत उसको हमने गिरफ्तार किया है। वो इकला ही सिंगल व्यक्ति ही इसमें इन्वॉल्व था तो उसकी तुरंत गिरफ्तारी होगी, तो हमने कोर्ट में उसको पेश कर दिया। तो इसमें जिस प्रत्याशी का जो पोलिंग एजेंट था, क्या उस प्रत्याशी के खिलाफ किसी तरह से कोई जांच की जाएगी? जी नहीं, अभी ऐसी कोई बात नहीं है और बाकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। जी, हमने उसको कोर्ट में पेश कर दिया था, बाकी काम तो फिर कोर्ट से। गांव असावटी में सरपंच कर्ण सिंह ने बताया कि चुनावी रंजिश को लेकर ये वीडियो वायरल किया गया है, जबकि चुनाव आयोग के दिशा निर्देशानुसार बूथ पर मोबाइल फोन ले जाना मना है। चुनावी रंजिश को लेकर ये वीडियो बनाया गया है और उसे वायरल किया गया। चुनाव आयोग ने मामले में संज्ञान लिया है और आगामी 19 मई को दोबारा से चुनाव कराने के निर्देश जारी किए गए हैं। जो मामला होता है, उस दिन का पीसफुल इलेक्शन चल रहा था, मगर किसी को ये नहीं पता थी कि रंजिशबाजी से कोई मोबाइल अंदर लेके बैठा था। जो लेडीज़ थी उस गिरिराज के परिवार की, उन्होंने कहा था कि 2 मशीन रखी हुई हैं, हमें ये नहीं पता कौन सी मशीन में किस पे बटन डालना। वो उठ के तीनों लेडियों को बताया गया 2 मशीन में, तो इस मशीन पे बटन डालना, ये आपकी मर्जी है या मेरे परिवार की, मुझे बता दो मैं कहाँ डालूँ। अगर बटन उसी उन्होंने ही डाला था लेडीज़ों ने, एक एक कहा गया, वो उठ उठ के उसको बताया गया और उन्होंने डाला। ये फिर उस टाइम तो मैम हो गई थी बाहर, उस प्रशासन फ़ोन कर दिया, प्रशासन पहुंच गया सारा, ऑपराइजर फोन पहुंच गया, फिर उसमें जो बात हुई मुकंदर्ज हो गया, उसने गिरिराज ने जमानत करा दी। जो महिलाएं थी वो गिरिराज परिवार? हाँ, परिवार की थी। तो आपको क्या लगता है कि वीडियो को गलत तरीके से पेश किया गया? हाँ, गलत तरीके से। पहले सबसे बड़ी बात है कि उस पर्ची के पीछे भी लिखा हुआ कि मोबाइल ऑफ और मोबाइल अंदर रहना सख्त मना। अब क्या ये रंजिशबाजी से मोबाइल अंदर ले गया, ये बिल्कुल ही पी प्लानिंग थी। कैसे भी कोई उठाया तो उस तरीके से वीडियो फिल्म बना के इलेक्शन को कैंसिल किया था। अब क्या निर्णय आया चुनाव? अब निर्णय के चुनाव आयोग ने कहा कि इलेक्शन होगा और 19 तारीख को होगा। गांव असावटी निवासी महिला मतदाता रुखसाना ने बताया कि वह अनपढ़ है, वोट डालने की ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए उसने गिरिराज से पूछा था कि किस मशीन पर बटन दबाना है। गिरिराज ने सिर्फ मशीन बताई थी पर उसने बटन नहीं दबाया, बटन को खुद मैंने ही दबाया था। मैं उससे पूछा था कि हाँ या किस बटन दबानी है,
हाँ, उन्होंने बता दी कि हाँ किसी बटन दाब दो खाली और कुछ नहीं हुआ। उन्होंने क्या बताया था फिर आपको, क्या कहा? कुछ भी नहीं कहा। नहीं, उन्होंने आपने जैसे मदद के लिए बुलाया, हाँ, तो उन्होंने क्या कहा आपको, क्या बताया? कह रहा कि बटन अपना तुम दाब दे, तुम अपने हाथन से। जी, उन्होंने आपका बटन तो नहीं दाबा? नहीं, मेरा बटन नहीं दाबा, मैं दाबे अपने हाथों से। आपको कुछ नहीं कहा किसी कुछ वोट देनी है? नहीं, कुछ नहीं कहा। आपने अपनी मर्जी से वोट दी? अपनी मर्जी से वोट दी, अपनी मर्जी से हाथ पर बटन दाब दी। कोई दबाव तो नहीं बनाया? नहीं, कोई दबाव नहीं बना। जी नहीं। वही आरोपी गिरिराज ने बताया कि उस वीडियो को रंजिशन बनाकर वायरल किया गया है। उसने महिला मतदाताओं की केवल मशीन तक मदद की लेकिन बटन नहीं दबाया। तीन एजेंट थे, एक आम आदमी पार्टी का, एक मैं बीजेपी से और एक इनेलो से। तो हम तीनों थे। अब आपको पता है कि गांव में एक तो लेडीज घूंघट मारती हैं, ठीक है जी, दूसरी अनपढ़ भी होती हैं। तो हम तीनों ने क्या किया कि भाई किसी के को घर परिवार से कोई भी लेडीज आए तो वो जा सकता है बंदा और बता के आ सकता है, ठीक है, लेकिन वहाँ पर बटन कोई नहीं दबाएगा, ये था हमारा। तो उसमें जैसे मेरे जानकार या मेरे परिवार से कोई बंदा आया तो मैं भी वहाँ पे चला गया और मैं भी बता के आ गया। और ऐसा तो नहीं है कि मैं वहाँ पे बटन दबा के वहाँ खड़ा रहा हूँ या वहाँ, मैं सिर्फ बता के आया क्योंकि 28 कैंडिडेट, दो मशीन है, ठीक है जी। अगर मैं गलत होता और मैं उनका बटन दबा के आता तो मुझे रोकती या टोकती, मुझे गाली देती, कुछ तो बोलती मुझे कि भाई आपने मेरा बटन, या मेरी शिकायत अधिकारी से कर दी। अधिकारी वहीं पर खड़े थे, सब वहीं पर था ना, तो ठीक है जी, ना मैं उनका कोई बटन दबा। हाँ, ये है कि मैं वहाँ तक गया हूँ लेकिन मैं उनका बटन नहीं दबा पाया, सिर्फ मशीन से ही मैं बता के और वापस आ गया हूँ। नमस्कार, मैं हूँ सतीश भूटानी, हम इस समय मौजूद हैं असावटी के सीनियर सेकेंडरी स्कूल के गांव में। सुर्खियों में है इस बार ये स्कूल क्योंकि 12 मई को जो मतदान हुआ था उसमें एक वीडियो वायरल हुआ था शाम को, जिसके बाद प्रशासन और चुनाव आयोग हरकत में आया और प्रशासन ने जबरदस्त कार्रवाई करते हुए इस पर पुनर्मतदान का आदेश दिया है। 19 मई को एक बार फिर से मतदान होगा। आइए हम आपको बताते हैं कि क्या वजह रही जिसकी वजह से पुनर्मतदान की नौबत आई और देश में सुर्खियों असाफी गांव है। ये देखिए पिछला गांव जो 85 नंबर है, मतदान केंद्र नंबर 88 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय असाफी, जिसका ये जहाँ पर आपने देखा वीडियो वायरल हुआ था, उस वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में आया, चुनाव आयोग हरकत में आया, देश में एक बार फिर से इस असावटी गांव की चर्चा चली है। 19 मई को एक बार फिर से मतदान होगा। इस बीच चुनाव आयोग ने डीसी अतुल कुमार का ट्रांसफर कर दिया है, उनकी जगह अशोक कुमार गर्ग को नियुक्त किया गया है। 19 मई को एक बार फिर से मतदान होगा। देखते हैं कि इस बार क्या होना है। पूरा गांव इस समय स्थल है, मीडिया की चर्चा में आने के बाद पूरे गांव में इस समय लहर दौड़ी हुई है अलग तरीके की कि क्या होगा 19 मई को। इस बीच जो कि गिरिराज नाम का जो वोटर था, जो एजेंट था, वो वोट डलवा रहा था, फर्जी वोट डलवा रहा था, यानी कि महिलाओं के वोट डाला था, उसको प्रशासन ने, पुलिस ने गिरफ्तार किया उसी दिन, उसके बाद उनकी जमानत रोक दी है। मैं पर्वत से सतीश भूटानी असाफी गांव में।